तो दोस्तों, लोकी सीरीज का 5वां एपिसोड रिलीज हो गया है और अब ये कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। इस एपिसोड में हमें कई सारे लोकी नजर आए जिन्होंने एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया और अब सभी राज पर से पर्दा उठने वाला है। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं लोकी सीरीज के 5th एपिसोड को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी टाइम कीपर्स तक पहुंच गए थे और जब सिल्वी ने टाइम कीपर्स के एक मेंबर को मारा तब हमें पता चला कि वो सब असल में रोबोट्स है, जिसके बाद टीवीए की जज रवोना ने लोकी को रीसेट कर दिया था। और इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि लोकी अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जिसे कहते हैं वॉइड। ये जगह समय के अंत में बसी हुई है और टीवीए वाले जितनी भी टाइमलाइंस या लोगों को रीसेट करते हैं वो सब वॉइड में पहुंच जाते हैं। इस जगह पर कुछ भी करने से सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं आता और एक बार जो यहाँ आ गया फिर उसका यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा दानव रहता है जो कि सबको खा जाता है। एलोइथ नाम का ये प्राणी एक जिंदा तूफान है जो कि वॉइड में आने वाली हर चीज को निगल जाता है और उसे जिंदा लोगों को खाना बहुत पसंद है। लोकी जब यहाँ पहुंचा तो उसकी मुलाकात होती है 4 अलग अलग लोकी से जिन्हें टीवीए वालों ने रीसेट किया था, जिसकी वजह से वो सब यहाँ आ गए थे। उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश तो की थी पर वो सब नाकामयाब हुए, इसीलिए अब उन्होंने वॉइड को ही अपना घर बना लिया था और वो एलोइथ से बच के यहाँ रह रहे थे। फिर वो चारों लोकी इस लोकी को एक गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो सब रहते थे और वो सभी अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने समय का बहाव बिगाड़ा और टीवी वालों ने उन्हें गिरफ्तार किया। और जब उनकी यहाँ से निकलने की सभी कोशिश बेकार हो गई तो उन सब ने वॉइड को ही अपनी किस्मत मान लिया, पर अपने मेन लोकी को ये सब मंजूर नहीं था। वो तो किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके लिए वो एलोइथ को मारने का सोचता है, पर कोई भी इस काम के लिए उसका साथ नहीं देता, इसीलिए वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोकी आ जाते हैं और उन सब में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस सब से परेशान होकर मेन लोकी और ओल्ड किड और एलिगेटर लोकी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिल्वी टीवीए की जज रवोना से पूछताछ कर रही थी, पर रवोना को भी ये नहीं मालूम था कि टीवीए को किसने बनाया है। लेकिन वो सिल्वी को ये बताती है कि लोकी अभी भी जिंदा है और वो वॉइड में फंसा हुआ है, और क्योंकि वॉइड एक ऐसी जगह है जो कि समय से परे है, इसीलिए सिल्वी ये अंदाजा लगाती है कि टीवीए का असली क्रिएटर वॉइड के आसपास ही मिल सकता है, इसीलिए सिल्वी वहां जाने का फैसला करती है। पर रवोना उसे बातों में उलझा कर चालाकी से कुछ एजेंट्स को वहां पर बुलवा लेती है और तब सिल्वी उसका टेम्पलेट लेकर वहां से भाग जाती है। सिल्वी को अब वॉइड में जाना था ताकि वो लोकी के साथ मिलकर टीवीए का सच जान सके, इसीलिए वो खुद को रीसेट कर देती है। उसके जाने के बाद रवोना भी टीवीए की असलियत पता लगाना शुरू करती है। उधर जब सिल्वी वॉइड में पहुंचती है तो उसका सामना होता है एलोइथ से। वो उससे बच के भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक पल के लिए एलोइथ को छूती है और वो अपनी शक्ति से उसके दिमाग में झांक लेती है, जिससे उसे नजर आता है अंतरिक्ष का एक विशाल पत्थर जिसपे एक महल बना हुआ था और उस महल की एक मीनार पे कोई शक्तिशाली चीज थी। ये देखते ही सिल्वी समझ जाती है कि एलोइथ उस महल की रक्षा कर रहा है। फिर वहां से भागते वक्त रास्ते में उसे मोबियस मिल जाता है जो कि रीसेट होने की वजह से वॉइड में पहुंच गया था। वो सिल्वी को एक कार में बिठाकर एलोइथ से बचा लेता है। दूसरी तरफ लोकी एलोइथ को मारने की कोशिश में लगा था, लेकिन एलोइथ की ताकत के आगे सब बेकार था। फिर मोबियस और सिल्वी लोकी से मिल ही जाते हैं और फिर सिल्वी वहां सबको बताती है कि एलोइथ का काम सिर्फ चीजों को खाना ही नहीं है, बल्कि वो एक गार्ड भी है जो कि एक महल की रक्षा कर रहा है और शायद उसी महल में टीवीए का असली क्रिएटर मौजूद है। इसीलिए सिल्वी ये प्लान बनाती है कि वो एलोइथ को अपनी शक्ति से काबू करके उसे रास्ते से हटाएंगी ताकि वो उस महल तक पहुंच सके। सिल्वी अपने साथ टेम्पलेट लेकर आई थी। टेम्पलेट से वॉइड में आया नहीं जा सकता था, पर उससे वापस जाया जा सकता था। सिल्वी वो टेम्पलेट लोकी को देती है। वो चाह रही थी कि सब लोग वहां से निकल जाए और वो अकेले अपना काम करे, पर लोकी उसके साथ रुकने का फैसला करता है और ओल्ड और किड लोकी वॉइड में ही अपने घर पे चले जाते हैं। फिर मोबियस वो टेम्पलेट लेकर टीवीए में जाता है ताकि वो बाकी लोगों को सच बता सके और टीवीए को बर्बाद कर सके। इसके बाद लोकी और सिल्वी एलोइथ का सामना करने के लिए जाते हैं। एलोइथ आमतौर पे आसमान में रहता था और जैसे ही वॉइड में कोई पोर्टल खुलता था तब वो नीचे आता था, इसीलिए लोकी और सिल्वी वहां खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर बाद भी जब वहां कोई पोर्टल नहीं खुला तब लोकी ने एलोइथ के सामने जाकर उसका ध्यान खींचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से सिल्वी अपने जादू से उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एलोइथ सिल्वी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी ओल्ड लोकी वहां आकर एलोइथ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे सिल्वी बच जाती है। ओल्ड लोकी ने अपनी पावर से एसगार्ड का एक इल्यूजन तैयार किया था और एलोइथ उस इल्यूजन को असली समझ के उसकी तरफ बढ़ रहा था। उधर सिल्वी अकेले एलोइथ को काबू नहीं कर पा रही थी,
इसीलिए वो लोकी का हाथ पकड़ के उसे भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने बोलती है। हालांकि लोकी के पास किसी को काबू करने की ताकत नहीं थी, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो ये जादू काम करने लग जाता है। उधर ओल्ड लोकी काफी थक गया था और उसकी शक्ति कम हो गई थी, इसीलिए उसका इल्यूजन खत्म होने लगता है। तभी एलॉयत वहां आकर ओल्ड लोकी को खा जाता है। इसके बाद वो लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब उन दोनों की कंबाइंड पावर से एलॉयत उनके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो दोनों उसे अपने रास्ते से हटाते हैं और जैसे ही धुआं छटता है तो वो महल उनके सामने आ जाता है और फिर लोकी और सिल्वी उस महल में जाने लगते हैं। इस महल में कौन रहता है और टीवीए को किसने बनाया, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी लोकी सीरीज के 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.